गुड इवनिंग एवरीवन, प्लीज मार्क योर अटेंडेंस बाय मेंशनिंग योर नेम इन द चैट बॉक्स फर्स्ट बिफोर वी स्टार्ट द सेशन। ये अटेंडेंस मार्क कर दो फटाफट। चलो इसको देखते हैं फिर। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा? 51 था ना? क्वेश्चन नंबर 51 है ना, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो हमें क्या है कि क्वेश्चन नंबर 51 में क्या है, हमें एक फंक्शनल इक्वेशन गिवन है। फंक्शनल इक्वेशन क्या गिवन है? f(x+y) प्लस √6 − fy, √6 − fy इज इक्वल टू f(x)(fy) है ना। ये दिया होता हमें कि f(x+y) इज इक्वल टू √6 − fy इज इक्वल टू f(x)(fy)। तो क्या कर सकते हैं हम, और क्या दिया हुआ है हमें, और क्या दिया हुआ है हमें, दिया हुआ है कि h टेंडिंग टू जीरो पे लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f(x) या f(h) आपको जीरो दिया हुआ है। लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f(h) आपको जीरो दिया हुआ है, मतलब इसकी लिमिट जो है x इक्वल टू जीरो पे लिमिटिंग वैल्यूज की जीरो है इस फंक्शन की। अब x इक्वल टू जीरो पे वैल्यू बताओ इस फंक्शन की कितनी होगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस फंक्शनल इक्वेशन में पुट x इक्वल टू y इक्वल टू जीरो, x और y को जीरो रख देते हैं। x और y को जीरो रखेंगे तो f(0) प्लस क्या हो जाएगा, √6 − f(0) इज इक्वल टू f(0) × f(0, तो f(0) का स्क्वायर हो गया। f(0) को थोड़ी देर के लिए अगर आप t मान लेंगे तो एक इक्वेशन बन जाएगी टी में, ये हो जाएगा टी प्लस √6 − t इक्वल टू टी स्क्वायर। इस तरीके से एक इक्वेशन बन जाएगी, टेक टी टू द RHS, तो √6 − t बराबर क्या हो जाएगा, t²- t। स्क्वायर करो दोनों साइड को तो 6 − t बराबर हो जाएगा t²- t का होल स्क्वायर है ना। हो जाएगा 6 − t इज इक्वल टू t² का स्क्वायर हो जाएगा t⁴ माइनस दिस इज 2t³ प्लस t² है ना। तो t का वैल्यू निकालते हैं यहाँ पर, देखो t का वैल्यू क्या आ रहा है, ये हो जाएगा, ये तो 4 डिग्री की इक्वेशन बन रही है, t⁴ माइनस 2t³ प्लस t² प्लस t − 6 इक्वल टू जीरो। तो या तो हम ऐसा करें कि हिट एंड ट्रायल से निकालें, हिटेन ट्रायल से टी का वैल्यू निकाले, तो देख रहे हैं कुछ वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है क्या, 2 सेटिस्फाई कर रहा है, टी की जगह 2 डाल के देखो सर सेटिस्फाई कर रहा है। 2 डालेंगे तो 16 हो जाएगा, −2 × 8 प्लस ये हो जाएगा 4 + 2 − 6, हाँ 0 आ रहा है ना। तो टी का वैल्यू एक तो 2 सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो टी इक्वल टू 2, मतलब f(0) आपका क्या आएगा, 2। फंक्शन की x इक्वल टू जीरो पर वैल्यू कितनी है, 2। फंक्शन की x इक्वल टू जीरो पर लिमिट है 0, फंक्शन की x इक्वल टू जीरो पर लिमिटिंग वैल्यू 0 है, और फंक्शन की वैल्यू जो आ रही है 2, x इक्वल टू जीरो पर 2 आ रही है। इसका मतलब फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0, ये तो दिख ही रहा है, फंक्शन x इक्वल टू जीरो पे डिसकंटिन्यूस होगा है ना। f(0) आपका 2 आ रहा है और लिमिटिंग वैल्यू जो आ रही है f(h) वो 0 आ रही है आपकी। x इक्वल टू जीरो पे लिमिटिंग वैल्यू 0 आ रही है और फंक्शन की x इक्वल टू जीरो पर वैल्यू 0 आ रही है, क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं है, इसलिए फंक्शन आपका क्या होगा, फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूस होगा x इक्वल टू जीरो पे। कौन सा 6 है? अच्छा 6 दिया हुआ है क्या, सॉरी 6 दिया हुआ है, मतलब एस्टेंडिंग टू जीरो पे फंक्शन की जो लिमिट वैल्यू है वो 6 है ना, क्लियर है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो फंक्शन क्या है, f(x+y) प्लस √6 − fy
इज इक्वल टू हमें क्या दिया है, एफ एक्स इंटू एफ वाई, ये दिया हुआ है। तो हम यहाँ से x और y की में कुछ रख के इस तरीके से एफ एक्स निकालने की कोशिश करें, x को जीरो रख देते हैं। और एक बात आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो फंक्शन है, फंक्शन की वैल्यू कभी है ना 6 से ज्यादा नहीं हो सकती, 6 से ज्यादा हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। मतलब y की किसी भी वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू 6 से ज्यादा नहीं हो सकती, मैक्सिमम वैल्यू 6 हो सकती है, उससे ऊपर नहीं हो सकती। एफ ऑफ वाई जो होगा वो हमेशा 6 से छोटा ही होगा, 6 हो सकता है, 6 - 6 जीरो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस फंक्शनल इक्वेशन से हम क्या करते हैं, कुछ x और y को ऐसा रखते हैं, तो ऐसे करते हैं, या तो y को जीरो रख देते हैं और x को h रख देते हैं, तो शायद कुछ फंक्शन निकल जाएगा क्या हमारे पास। हमें यहाँ से कैसे भी करके फंक्शन निकालना है, ठीक है, हमें कैसे भी करके फंक्शन निकालना है। और x और y की जगह क्या रखें बताओ, एफ ऑफ जीरो तो हम निकाल ही चुके हैं, इसमें कोई डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ तो वैसे ही डायरेक्टली हो जाएगा। क्या रखें बताओ, अगर y की जगह जीरो रखते हैं तो ये एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा एफ ऑफ जीरो, तो ये तो जीरो हो जाएगा, ये एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ जीरो। हाँ ऐसे करते हैं, वाई की जगह जीरो डाल देते हैं, वाई को जीरो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो वाई को जीरो रख देंगे तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस अंडर रूट 6 - f(0) इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एक्स इंटू एफ ऑफ जीरो, ऐसा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस अंडर रूट 6 - 6 तो जीरो हो गया, ये तो नहीं, एफ ऑफ जीरो कितना आया था, 2 आया था ना, तो अंडर रूट 4 आ जाएगा, अंडर रूट 4 कितना हो जाएगा, 2 बराबर ये कितना हो जाएगा, एफ ऑफ जीरो आपका 2 है, तो दिस इज 2 इंटू एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ से एफ एक्स कितना आ गया आपके पास, 2 आ गया, तो मतलब फंक्शन आपका आ गया 2। ये तो कांस्टेंट फंक्शन आ गया, ये तो कांस्टेंट फंक्शन आ गया है ना, एफ एक्स बराबर 2 आपका कांस्टेंट फंक्शन आ रहा है, और इसमें कह रहे हैं कि ये लिमिटिंग वैल्यू एक्स एक्सटेंडिंग टू जीरो उस पे 6 आ रहा है, मतलब जीरो के आसपास इसकी लिमिटिंग वैल्यू 6 आ रही है और यहाँ से कांस्टेंट फंक्शन आ रहा है, ये तो कॉन्ट्रडिक्ट ही नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को, एक तो बोल रहा है कि एक तो कह रहा है कि कांस्टेंट फंक्शन आ रहा है और ये कह रहा है कि लिमिटिंग वैल्यू 6 आ रही है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, हाउ दिस कैन बी पॉसिबल। आर्बिट्री वैल्यू एक्स इक्वल टू ए ले लेंगे, उस पर कंटिन्यूटी कैसे देखेंगे, फंक्शन तो निकालना पड़ेगा ना। किसी बच्चे ने कहा है कि सर आर्बिट्री वैल्यू ले लेते हैं एक्स इक्वल टू ए और उस पर कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं फंक्शन की, तो फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन आ रहा है यहाँ तो, और यहाँ पर ये बोल रहा है कि x इक्वल टू उस पर वो नहीं है। चलो देखते हैं, कंटिन्यूटी चेक करके देख लेते हैं, अल्टरनेट तरीका कंटिन्यूटी चेक करके देख लेते हैं एक बार, यहाँ तो कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहा है। जैसे एट x इक्वल टू a मैं लिमिट निकालता हूँ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a एफ एक्स, ये निकालने की कोशिश करते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच, x को हम a प्लस एच रख देते हैं, तो h एक नया वेरिएबल हो जाएगा जिसकी लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगी जीरो। अब आपको पता है कि f ऑफ x प्लस y जो है प्लस क्या लिखा था, अंडर रूट 6 - fy इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, ये है ना, तो अगर मैं इसको इधर ले जाता हूँ इस टर्म को, f ऑफ x प्लस y क्या हो जाएगा आपका, एफ एक्स इंटू एफ वाई माइनस अंडर रूट 6 - fy, ऐसा हो जाएगा। अब मैं अगर x को a रख देता हूँ और y को h रख देता हूँ, f ऑफ
ए प्लस एच बराबर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ एच माइनस अंडर रूट सिक्स माइनस एफ ऑफ एच, ऐसा हो जाएगा है ना। तो एफ ऑफ ए प्लस एच को हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ एच माइनस अंडर रूट सिक्स माइनस एफ ऑफ एच, ठीक है इस तरीके से। तो आपको पता है कि लिमिटिंग वैल्यू कितनी है, सिक्स है इसकी है ना, एफ ऑफ एच की, एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एच हमें दिया हुआ है सिक्स। तो अगर हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सिक्स इंटू एफ ऑफ ए, सिक्स माइनस सिक्स जीरो हो जाएगा, तो ये सिक्स इंटू एफ ऑफ ए के बराबर आ रहा है ना, सिक्स इंटू एफ ऑफ ए के बराबर है, मतलब इसकी लिमिटिंग वैल्यू आपकी सिक्स इंटू एफ ऑफ ए के बराबर आ रही है ना। और फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ ए के बराबर, तो दोनों तो कभी बराबर हो ही नहीं सकते, एक ही केस में बराबर हो सकते हैं जब एफ ऑफ ए जीरो हो जाए। तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये फंक्शन क्या होगा, अगर जिस पॉइंट पे जीरो होगा एफ ऑफ ए, जहां पर जीरो होगा वहां पर ही ये कॉन्टिन्यूस होगा, अदरवाइज ये डिसकॉन्टिन्यूस होगा। अब ऑप्शंस की तरफ देख लेते हैं, ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं, जैसा क्वेश्चन में डिमांड है उसके हिसाब से बता रहा हूं मैं। इसमें कहा है कि फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस एट फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट, ये तो गलत है, ये तो काफी सारे पॉइंट्स हैं उस पर डिसकॉन्टिन्यूस है। फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस एट इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, हाँ काफी सारे पॉइंट्स होंगे ऐसे जिसपे ये डिसकॉन्टिन्यूस होगा। फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल एक्स, ये भी गलत है। फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस फॉर ऑल एक्स, ये भी गलत है। आंसर क्या ऑप्शन बी दे रखा है क्या इसका, डी दे रखा है, सारी वैल्यूज के लिए डिसकॉन्टिन्यूस है। तो या तो हमें ऐसे चेक करना पड़ेगा कि एफ ऑफ ए कभी जीरो हो नहीं सकता, ये बात समझ में आई आपको। मैंने क्या किया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ एक्स निकाल लिया, सुनो मेरी बात, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ एक्स निकाल लिया, मैंने एक्स को ए प्लस एच रख दिया, फिर मैंने जो फंक्शनल इक्वेशन दे रखी थी उसमें उसके हिसाब से मैंने एफ ऑफ ए प्लस एच निकाल लिया, दैट इज एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ एच माइनस अंडर रूट सिक्स माइनस एफ ऑफ एच। अब एक्सटेंडिंग टू जीरो पे एफ ऑफ एच कितना है सिक्स, तो ये हो जाएगा सिक्स इंटू एफ ऑफ ए और ये हो जाएगा सिक्स माइनस सिक्स जीरो, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू तो सिक्स इंटू एफ ऑफ ए आ रही है, और फंक्शन की एक्स इक्वल टू ए पे वैल्यू एफ ऑफ ए होगी, तो इसके हिसाब से तो क्या है, फंक्शन हमेशा डिसकॉन्टिन्यूस है। बट अगर फंक्शन की वैल्यू जीरो होगी, एक्स इक्वल टू किसी वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू जीरो हो गई, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ये उस पॉइंट पे कंटिन्यूस हो जाएगा। तो चलो देखते हैं फंक्शन की वैल्यू कभी हो सकती है क्या, क्या एफ ऑफ ए कभी जीरो हो सकता है क्या, पॉसिबल है क्या एफ ऑफ ए जीरो। तो आप इस इक्वेशन से एफ ऑफ ए निकालने की कोशिश करना एक बार, जो हमें इक्वेशन दे रखी है उससे निकालने की कोशिश करते हैं। मतलब जैसी हमें फंक्शनल इक्वेशन दे रखी है उसके हिसाब से तो ये फंक्शन डिसकंटीन्यूअस तो है, ऐसे काफी सारे पॉइंट्स होंगे, लेकिन ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं ना जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू जीरो हो सकती है, चेक कर लेते हैं ऐसे कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं क्या। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्स को तो ए रख देते हैं और वाई को हम जीरो रख देते हैं है ना, तो ये हो जाएगा आपका एफ ऑफ ए प्लस जीरो प्लस अंडर रूट सिक्स माइनस एफ ऑफ जीरो बराबर क्या हो जाएगा, ये एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ जीरो तो हमारा कितना आ गया था, टू आ गया था ना, तो सिक्स माइनस टू हो जाएगा फोर, फोर का अंडर रूट टू बराबर टू इंटू एफ ऑफ ए, जैसे एफ ऑफ ए कितना आ रहा है, टू आ रहा है ना, मतलब फंक्शन की किसी भी पॉइंट पर वैल्यू कितनी है, टू है, ठीक है। और इसलिए कि जीरो नहीं है तो इसलिए हम कह रहे हैं कि लिमिट जो आ रही थी हमारी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स जो आ रही थी वो कितनी आ रही थी हमारी, सिक्स इंटू एफ ऑफ ए के बराबर आ रही थी ना, सिक्स इंटू टू मतलब लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ रही है, ट्वेल्व, और एफ ऑफ ए कितना है हमारा, टू, तो क्या ये लिमिट इसके बराबर है क्या,
ठीक है, एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स, सो फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, सो फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, ये फंक्शन हमेशा डिसकॉन्टिन्यूअस होगा एवरीवेयर, समझ में आ गया। इसका जो लिमिटिंग वैल्यू है वो फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं है, कभी भी नहीं हो सकता, तो इसलिए ये फंक्शन आपका डिसकॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। अगर एफ ऑफ ए कहीं जीरो आ जाता तो वहां कंटिन्यूअस हो जाता। अब किसी बच्चे ने पूछा कि सर फंक्शन इसका ग्राफ क्या होगा, पहली बात तो ये फंक्शन ही एनालिसिस नहीं कर सकते कि फंक्शन क्या होगा, जैसा डेटा दिया है उसके हिसाब से हम फंक्शन ही नहीं बता सकते, इसका ग्राफ तो बनाना दूर की बात है, बस जो गिवन डेटा है उसके हिसाब से हम ये बोल सकते हैं कि डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, इसके अलावा बाकी कुछ हम कह नहीं सकते। जो गिवन इंफॉर्मेशन थी उसको हमने ध्यान में रखते हुए हम बस ये बोल सकते हैं कि ये डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। और डिसकॉन्टिन्यूअस के लिए हमने कॉन्टिन्यूटी चेक की, कंटिन्यूटी चेक करने का तरीका मैंने आपको बता दिया यहाँ पर, कि जैसे कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, x इक्वल टू ए पे फंक्शन की लिमिट निकालते हैं, तो वो निकालने के लिए मैंने क्या किया, x को a प्लस h रख दिया और यहाँ एक्सटेंडिंग टू जीरो कर दिया। अब मैंने जो फंक्शनल इक्वेशन दे रखी थी उससे मैंने एफ ऑफ ए प्लस एच निकाला, तो वो इस तरीके से आ गया, और एफ ऑफ एच की लिमिटिंग वैल्यू आपको 6 दे रखी, तो 6 इंटू एफ ऑफ ए आ रहा था लिमिटिंग वैल्यू, और इस फंक्शन की एक्स इक्वल टू ए पे वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ ए। तो ये दोनों एक ही केस में इक्वल हो सकते हैं कि एफ ऑफ ए जीरो हो जाए, अदरवाइज दे आर नॉट इक्वल, एफ ऑफ ए तो 2 आ रहा है तो ये इक्वल नहीं होंगे, इसलिए फंक्शन कभी कंटिन्यूस नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन था और कुछ नहीं है। एफ ऑफ जीरो कैन हैव डिफरेंट वैल्यूज, दैट इज इट फॉर्म 4 डिग्री इक्वेशन। अब 4 डिग्री की इक्वेशन बन रही है लेकिन आपको 4 डिग्री के इक्वेशन का शायद एक ही रूट आ रहा होगा। एफ ऑफ जीरो का वैल्यू ऐसे तो नहीं, कोई जीरो तो नहीं आ रहा ना, टू इक्वल रूट्स आएंगे, दो रूट्स है ना, दोनों रूट आएंगे इक्वल आएंगे, दोनों 2 आ रहे हैं और दो इमेजिनरी आ रहे होंगे। 4 डिग्री की इक्वेशन है ना, तो 4 रूट्स होंगे, तो 4 रूट्स में से 2 रूट तो जो होंगे रियल होंगे और 2 रूट आपके इमेजिनरी आएंगे ना, और जो रियल रूट्स हैं दोनों इक्वल आएंगे है ना, वो 2 के बराबर आएंगे ना, आप देख लेना उसके, ठीक है। तो इसलिए फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ 0 2 ही हो सकता है और कुछ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे x इक्वल टू ए कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं लिया, मैंने एक जनरल पॉइंट ले लिया, उसी पे कंटिन्यूटी में चेक कर रहा था, ठीक है। चलो चलो फिर उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 35 हो गया, अच्छा कुछ 51 हो गया ये वाला, अच्छा क्वेश्चन था 52। 52 में डाउट है, क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं। चलो 52 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 52 में बोला है हमसे, एक फंक्शन दिया है fx, एक फंक्शन fx इज गिवन एज gx इनटू cos 1/x है ना, है ना, दिस x नॉट इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0। हमसे कहा है कि ये फंक्शन क्या है, फंक्शन इज डिफरेंशियबल एट x इक्वल टू 0, तो हमसे बताए पासिंग थ्रू द ओरिजिन, फंक्शन ओरिजिन से पास करता है, मतलब x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 है। gx जो फंक्शन है एक इवन फंक्शन है, ये भी बोला है gx जो है एक इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन और पासिंग थ्रू द ओरिजिन, पासिंग थ्रू द ओरिजिन का मतलब क्या है कि मतलब g ऑफ 0 जो है वो 0 के बराबर है ना, ये भी दिया है, और इवन फंक्शन है मतलब g ऑफ x बराबर g ऑफ माइनस एक्स g ऑफ x के बराबर है। तो हमें f डैश 0 के बारे में बताना है कि f डैश 0 क्या होगा, फंक्शन का x इक्वल टू 0 पे डेरिवेटिव क्या होगा, चलो देख लेते हैं। तो f डैश 0 क्या होगा आपका, कैसे डिफाइन करते हैं f डैश 0 को,
लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो डिवाइड बाई एक्स माइनस जीरो, ऐसे ही तो होता है. तो एफ डैश जीरो विल बी लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ एक्स, क्या हो जाएगा एफ एक्स, तो हो जाएगा आपका जी एक्स इंटू कॉस वन बाई एक्स. एफ ऑफ जीरो कितना हो गया आपका, एफ ऑफ जीरो आपका जीरो हो गया डिवाइड बाई एक्स, तो ये हो जाएगा आपका एफ डैश जीरो बराबर लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, ये क्या हो जाएगा आपका जी एक्स इंटू कॉस वन बाई एक्स ऑन एक्स. इतना समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पर x को जीरो रखो, x को जीरो रखेंगे तो ये तो जी जीरो हो जाएगा, ये cos इन्फिनिटी हो जाएगा. जी जीरो की वैल्यू कितनी है, फंक्शन g की वैल्यू x इक्वल टू जीरो पे कितनी है, जीरो. तो ये जीरो इंटू सम फाइनाइट नंबर, ये जीरो हो रहा है, नीचे भी जीरो. जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रही कि नहीं बन रही, जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रहा है ना. तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देते हैं, एल हॉस्पिटल लगा देते हैं. एल हॉस्पिटल लगाने के लिए न्यूमरेटर क्या है, इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन. पहले इसका प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू द सेकंड फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखेंगे और सेकंड फंक्शन कॉस वन बाई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन वन बाई एक्स, फिर वन बाई एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर. ऐसे ये समझ में आ रहा है? तो ये आपका क्या हो जाएगा, दिस इज एफ डैश जीरो बराबर लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो जी डैश एक्स इंटू कॉस वन बाई एक्स माइनस जी एक्स इंटू साइन वन बाई एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर. अच्छा प्लस हो जाएगा ना वो, क्योंकि वो माइनस दो बार आएगा ना, एक तो कॉस का डिफरेंशिएशन करेंगे तब और एक वन बाई एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो वो प्लस हो जाएगा. अब क्या कह सकते हैं हम, अब देखो यहाँ पर आपको फंक्शन जी एक्स क्या है, इवन है. फंक्शन जी एक्स इवन है, मतलब जी एफ माइनस एक्स आपका जी एक्स के बराबर है, क्योंकि फंक्शन जी क्या है आपका, इवन फंक्शन है. तो अगर मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस ऑफ जी डॉस ऑफ माइनस एक्स बराबर जी डैश एक्स हो जाएगा. इसमें पुट एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स को जीरो रख दो, एक्स को जीरो रख देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ जी डैश जीरो बराबर जी डैश जीरो. तो टू टू टाइम जी डैश जीरो बराबर जीरो हो जाएगा. तो मतलब जी डैश जीरो मतलब जीरो हो जाएगा, मतलब x इक्वल टू जीरो पे फंक्शन जी एक्स है, उसका डेरिवेटिव कितना होगा, जी एफ जीरो होगा. तो चलो ये क्या हो जाएगा, देखो एफ डैश जीरो इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो जी डैश एक्स इंटू कॉस वन बाय एक्स प्लस जी एक्स इंटू साइन वन बाय एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर. ऐसे हुआ ना. अब देखो एक्सटेंडिंग टू जीरो पर क्या हो रहा है, एक्सटेंडिंग टू जीरो पे यहाँ पे जीरो रखेंगे तो ये तो जीरो हो गया, ये कॉस इन्फिनिटी हो गया. कॉस इन्फिनिटी सम फाइनाइट नंबर होता है, जीरो इंटू फाइनाइट नंबर, ये तो जीरो हो गया. अब बचा ये वाला टर्म, इस वाले टर्म का क्या करें, जी एक्स इंटू साइन वन बाई एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका क्या करें. अब जी एक्स इंटू साइन वन बाई एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर इसमें देखो एक्स को जीरो रखेंगे, एक्स को जीरो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जी जीरो हो जाएगा, दैट इज जीरो. और साइन इन्फिनिटी, साइन इन्फिनिटी क्या होता है, एक फाइनाइट नंबर होता है, ये भी जीरो हो रहा है, नीचे भी जीरो होता है. ये जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रही है, अगेन इट इज ए जीरो बाई जीरो फॉर्म. ठीक है, फिर डिफरेंशिएट करेंगे इसको, फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ डैश जीरो बराबर लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, क्या हो जाएगा, कोई बच्चे बोल रहे हैं कि सर जी ऑफ जीरो एग्जैक्ट जीरो है, तो एग्जैक्ट जीरो कैसे बोल सकते हैं कि जी ऑफ जीरो एग्जैक्ट जीरो है.
जी ऑफ जीरो एग्जैक्ट जीरो है ये थोड़ी बोल सकते हैं। एग्जैक्ट जीरो नहीं बोल सकते ना, एग्जैक्ट जीरो तो बहुत अलग ही कॉन्सेप्ट हो जाता है। मतलब वो फंक्शन जीरो ही है, एग्जैक्ट जीरो का मतलब तो वो मतलब फंक्शन जीरो ही है। हो गया ऐसे, तो फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर ये डिफरेंशिएशन तो बढ़ता ही जाएगा आगे भी। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन बढ़ता ही जाएगा, ऐसे तो सॉल्व हो ही नहीं पाएगा इस तरीके से। तो इसमें हम फंक्शन जी एक्स को है ना ऐसा करेंगे, कुछ कोई फंक्शन ले लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कोई ऐसा फंक्शन ले लो जो इवन भी हो और ओरिजिन से पास भी करता हो, जो स्टैंडर्ड फंक्शन है। कोई भी स्टैंडर्ड फंक्शन ले लो जी एक्स जो इवन हो और ओरिजिन से पास करता हो। तो जैसे मैंने ये ले लिया एक्स स्क्वायर है ना, जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर ले लिया। क्योंकि आगे आप करते जाओगे तो ये तो कभी रुकने वाला नहीं, आगे चलता जाएगा ऐसे। तो बेटर है आप कोई फंक्शन मान लो जी एक्स को एक्स स्क्वायर ले लो, तो एक्स स्क्वायर इंटू साइन वन बाई एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, अब लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन वन बाई एक्स। अब एक्सटेंडिंग टू जीरो पे वन बाई जीरो हो जाएगा इन्फिनिटी, साइन इन्फिनिटी फ्लक्चुएट करेगा -1 से 1 के बीच में। ये तो ऑक्सीलेटरी डिसकंटिन्यूटी है, तो इसका मतलब एफ डैश जीरो डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना। भाई फंक्शन हमसे बोला ना, फंक्शन जी एक्स के बारे में हमसे बोला कि फंक्शन जी एक्स इवन है और ओरिजिन से पास कर रहा है। तो ये फंक्शन स्टैंडर्ड फंक्शन भी है और हमें पता भी है कि ये इवन भी है, जीरो पे जीरो भी आ रही है वैल्यू। ठीक है ना, तो यहाँ पर एफ डैश जीरो डज नॉट एग्जिस्ट है ना। आंसर बी नहीं आएगा, आंसर क्या? सही बात है, एक्स की पावर 4 अगर ले लेंगे हम, अगर फंक्शन हम अगर एक्स की पावर 4 ले लेते हैं तो आंसर 0 आ जाएगा। लेकिन जितना इंफॉर्मेशन हमें दिया हुआ है उस हिसाब से तो जी एक्स एक इवन फंक्शन दिया है और एक्स इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल है। एक्स इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल है, स्टार्टिंग में जी एक्स को एक्स स्क्वायर रख देते हैं। स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में ही रख देते तो यहाँ तो 0 आंसर आ जाता, हमें डिफरेंशिएट करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, इतना करने की जरूरत ही नहीं थी हमें सब करने की। डिफरेंशिएट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, जी एक्स को हम एक्स स्क्वायर अगर लेते तो एक्स स्क्वायर इंटू कॉस वन बाई एक्स अपॉन एक्स हो जाता। क्या रही लिमिटिंग वैल्यू, एक्स इंटू कॉस वन बाई एक्स, तो ये तो 0 आ रहा है ना। हाँ एफ डैश 0 0 आ रहा है, एफ डैश 0 0 आएगा, क्योंकि अगर जी एक्स हमने एक्स स्क्वायर कंसिडर किया तो आगे तो करने की जरूरत ही नहीं है ना। आगे तो फिर हमने वो उस हिसाब से किया कि वहाँ 0 बाई 0 फॉर्म बन रहा था। अब जी एक्स को आप एक्स की पावर 4 भी लेते हो तो भी आपका 0 आएगा, एक्स की पावर 3 भी लेते हो, एक्स की पावर 6 भी लेते हो तो भी 0 आएगा। तो एफ डैश 0 इसलिए 0 आ जाएगा। तो बेटर है जी एक्स को पहले ही कंसिडर कर लो जितनी इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है उस हिसाब से। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि एक्स इक्वल टू 0 पे जी ऑफ 0 एग्जैक्ट 0 है। नहीं, एग्जैक्ट 0 कैसे हो सकता है, एग्जैक्ट 0 नहीं है वो, एग्जैक्ट 0 नहीं है। ठीक है ना, तो आंसर बी आ जाएगा, सही आंसर बी है ना। क्लियर है, इतना सब एल हॉस्पिटल लगाने की जरूरत ही नहीं थी, यहाँ पे डायरेक्ट ही कोई फॉर्म ही नहीं बन रहा था यहाँ पर। पासिंग थ्रू द ओरिजिन तो ठीक है कि एक्स इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 है। अगर मैं आपसे कहता हूँ, देखो दो बातें होती हैं,
जीरो का मतलब एग्जैक्ट जीरो, और उसमें आप लिमिटिंग जीरो में कंफ्यूज मत होइए। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि इस तरीके से एक फंक्शन है, ये जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर फंक्शन है, तो अगर मैं आपसे कहता हूँ लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एक्स स्क्वायर, कितना आएगा? जीरो आएगा। ये लिमिटिंग जीरो है, ये कौन सा जीरो है? लिमिटिंग जीरो, क्योंकि जब एक्स को हम एक्स इक्वल टू जीरो को राइट से अप्रोच करें तो ये ग्राफ जो है वो भी एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी चेंज हो रही है, और वो चेंज होते होते जीरो पे आ जाएगी। और एक्स को हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो भी क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो चेंज हो ही रही है ना, कॉन्स्टेंट थोड़ी है। ऐसा तो नहीं है कि एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, वो चेंज होता 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 एक्स इक्वल टू जीरो के नजदीक आके वो जीरो हो जाता है। लेकिन अगर मैं ये वाला फंक्शन देखता हूँ, ये वाला फंक्शन देखो, कॉन्स्टेंट फंक्शन, मान लो एक मैंने फंक्शन ले लिया माइनस वन से वन के बीच में कॉन्स्टेंट है वो, तो ये एक ऐसा फंक्शन है जो माइनस वन से वन के बीच में कॉन्स्टेंट है, इस तरीके से जीरो है, तो आप देखेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो इस फंक्शन के बारे में देखेंगे तो ये एग्जैक्ट जीरो होगा। क्यों? क्योंकि जब x इक्वल टू जीरो को राइट से अप्रोच करेंगे तो ये पहले यहाँ पर भी जीरो, यहाँ पर भी जीरो, यहाँ पर भी जीरो, यहाँ पर भी जीरो, यहाँ पर भी जीरो है, तो पूरे इंटरवल में जीरो है, मतलब जीरो के आसपास पूरे इंटरवल में ही ये जीरो है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये जीरो हो रहा है, जीरो नहीं है वो, जीरो बन जा रहा है वो, लिमिटिंग जीरो है, और ये तो जीरो ही है, जीरो के आसपास भी जीरो ही है ये तो। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। एग्जैक्ट जीरो लिमिटिंग जीरो में दोनों में फर्क होता है। ठीक है, यहाँ पर ये फंक्शन फ्लैटन होता जा रहा है धीरे 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 धीरे, आते आते ये जीरो हो जाएगा, लेकिन ये तो पूरे इंटरवल में ही जीरो है, यहाँ पे एग्जैक्ट जीरो नहीं है वो। ठीक है ना, तो इसलिए आंसर इसका बी आ जाएगा, सही है। तो बेटर है कि आप फंक्शन जी एक्स को कंसिडर कर लो, जो भी प्रॉपर्टी दे रखी है उसके हिसाब से ना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 53। 53 हो गया, 54, 54 हो गया, 54 देख लेते हैं। चलो 54 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 54 में क्या बोला है, देखो इसमें एक फंक्शन दिया है एफ एक्स क्या है, साइन एक्स के इक्वल है। साइन एक्स के कब इक्वल है फंक्शन एफ एक्स? जब एक्स जीरो से छोटा है। और नीचे दिया है हमें कॉस एक्स माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। हमसे कहे कि फंक्शन एक नया फंक्शन है जी एक्स विच इज एफ ऑफ एक्स का मॉड है ना, फंक्शन एफ एक्स का मॉड है। चलो बढ़िया है, तो हमें बताना है कि फंक्शन नॉन डिफरेंशियबल होगा। निकाल लेते हैं फंक्शन जी एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स का मॉड है ना, तो फंक्शन एफ एक्स में जहां पर भी आपको एक्स दिख रहा है वहां पे मॉड एक्स लगा दो, कंडीशंस पे भी लगा दो और यहाँ पर भी लगा दो, सब जगह। तो मॉड एक्स लेस देन जीरो कंडीशन हो गई, मॉड एक्स लेस देन जीरो तो हो ही नहीं सकता ना। x की जगह मॉड एक्स रखेंगे तो मॉड एक्स लेस देन जीरो, ये कंडीशन तो हो ही नहीं सकती ना, तो ये वाला तो गया काम से। यहाँ पर देखो मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये तो हमेशा होता ही है। फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉस मॉड एक्स माइनस मॉडुलस ऑफ मॉड एक्स माइनस वन, एक्स की जगह मॉड एक्स रख दिया, तो एक्चुअली फंक्शन जी एक्स जो होगा आपका, ये वाली पॉसिबिलिटी तो जा चुकी है क्योंकि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। फंक्शन जी एक्स आपका क्या होगा, cos mod x minus modulus of mod x minus 1। अब cos mod x जो होता है ये तो हमेशा क्या होता है, differentiable भी होता है, हमेशा continuous भी होता है, क्योंकि cos mod x का आप ग्राफ बनाएंगे, cos x का ग्राफ आपको पता है, cos x का ग्राफ क्या होता है, एक even function होता है, cos x एक even function होता है ना इस तरीके से,
तो आप cos mod x का ग्राफ भी बनाओगे तो सेम ही आएगा। आप यहाँ सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे mod x जो है x इक्वल टू जीरो पे जीरो हो रहा है, तो x इक्वल टू जीरो पे नॉन डिफरेंशियबल होना चाहिए। लेकिन ये भी देख लो कि x इक्वल टू जीरो पे, अगर x इक्वल टू जीरो प्लस पे करेंगे तो ये प्लस x हो जाएगा, और जीरो माइनस पे माइनस x हो जाएगा। cos ऑफ माइनस x cos x के बराबर ही होता है, क्योंकि ये इवन फंक्शन है, क्योंकि ये जो बाहर वाला फंक्शन है ये इवन फंक्शन है, इसलिए ये फंक्शन डिफरेंशियबल होगा एट x इक्वल टू जीरो। तो जीरो पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब ये फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस भी है और डिफरेंशियबल भी है। इसके बारे में देखो, ये वाला कहाँ, ये कहाँ दिक्कत करेगा, ये दिक्कत करेगा आपका मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन जहाँ पे जीरो होगा, तो मॉड एक्स बराबर वन जहाँ होगा एक्स बराबर प्लस माइनस वन, प्लस माइनस वन पे डिफरेंशियबल नहीं होगा। और एक एक्स इक्वल टू जीरो पर भी दिक्कत आएगी, क्योंकि एक्स इक्वल टू जीरो पे ये दिक्कत करेगा। तो तीन पॉइंट आएंगे, एक तो जीरो आएगा, एक वन आएगा और एक माइनस वन आएगा। ये तीन पॉइंट्स होंगे जहाँ पे ये फंक्शन नॉन डिफरेंशियबल होगा, ठीक है ना। तीन पॉइंट्स ऐसे होंगे जहाँ पे फंक्शन नॉन डिफरेंशियबल होगा। तो हाउ मेनी वैल्यूज आर ऑफ एक्स, थ्री वैल्यूज ऑफ एक्स है ना। दिस फंक्शन इज नॉन डिफरेंशियबल फॉर हाउ मेनी वैल्यूज, थ्री वैल्यूज। समझ में आ गया। देखो ये फंक्शन हमें दिया था एफ एक्स, और इस फंक्शन में हमने एक्स की जगह मॉड एक्स रखा, तो ये कंडीशन मॉड एक्स लेस देन जीरो, ये तो इसका कोई मतलब नहीं है, मॉड एक्स लेस देन जीरो हो नहीं सकता। तो दूसरी मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पे फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉस मॉड एक्स माइनस मॉडुलस ऑफ मॉड एक्स माइनस वन, फंक्शन जी एक्स यही फंक्शन हो जाएगा। फिर उसकी हमने डिफरेंशियबिलिटी चेक कर ली, जीरो माइनस वन और प्लस वन पे नॉन डिफरेंशियबल आ रहा है, क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 55 हो गया। सबसे वेरी गुड। 56 में डाउट है, चलो 56 देख लेते हैं। 56 फंक्शन क्या दिया है, fx बराबर सिग्नम ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। 56 में फंक्शन क्या दिया, सिग्नम ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस माइनस साइन एक्स माइनस वन, ये फंक्शन दिया है ना। तो आपको पता है कि सिग्नम जो फंक्शन होता है, सिग्नम जो फंक्शन होता है ना, वो डिसकंटिन्यूअस कहाँ होता है, जहाँ पे सिग्नम के अंदर ये जीरो होता है ना। तो सिग्नम के अंदर ये जीरो हो रहा है क्या, देखो एक बार, देखो सिग्नम के अंदर जो भी लिखा है ये एक्स की किस वैल्यू पर जीरो हो रहा है वो देख लो। तो साइन एक्स को टी मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, कंसिडर साइन एक्स इक्वल टू टी, क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस टी माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो टी की क्या वैल्यू आ रही है आपके पास, वन प्लस माइनस, धराचार्य फॉर्मूला लगा दो, वन माइनस फोर इंटू वन इंटू माइनस वन डिवाइड बाई टू, हो जाएगा टी इज इक्वल टू वन प्लस माइनस अंडर रूट फाइव डिवाइड बाई टू। एक तो आ रहा है वन प्लस रूट फाइव अपॉन टू, और एक आ रहा है वन माइनस रूट फाइव अपॉन टू। अब टी क्या है आपका, साइन एक्स है, तो वन प्लस रूट फाइव अपॉन टू देखें तो रूट फाइव होता है टू पॉइंट समथिंग, तो वन प्लस टू पॉइंट समथिंग हो जाएगा थ्री पॉइंट समथिंग डिवाइड बाई टू, ये वन पॉइंट फाइव समथिंग आ जाएगा। तो साइन एक्स कभी वन से बड़ा होता नहीं है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। और ये देखें तो वन माइनस टू पॉइंट फाइव टू पॉइंट समथिंग हो जाएगा आपका माइनस वन पॉइंट समथिंग डिवाइड बाई टू, मतलब माइनस पॉइंट फाइव समथिंग। तो साइन एक्स ये हो सकता है, मतलब साइन एक्स बराबर क्या आ रहा है हमारा, वन माइनस रूट फाइव अपॉन टू नेगेटिव आ रहा है। तो यहाँ पर ये डिसकंटिन्यूअस आएगा। अब हमसे कहा है कि दिस फंक्शन इज, आगे क्या बोला है, दिस फंक्शन इज एग्जैक्टली फोर पॉइंट्स आर देयर ऑफ डिसकंटिन्यूटी इन द इंटरवल जीरो टू एन पाई।
एन की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए कि एग्जैक्टली 4 पॉइंट आने चाहिए। तो देखो साइन एक्स क्या आ रहा है आपका 1 माइनस रूट 5 अपॉन 2, तो 1 माइनस रूट 5 अपॉन 2 नेगेटिव हो गया। एक्स की क्या क्या वैल्यू होगी या एक्स कौन कौन से क्वाड्रेंट में होगा जहां पे साइन नेगेटिव होता है? एक तो थर्ड क्वाड्रेंट में और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो जीरो से हम स्टार्ट करते हैं, जीरो से टू पाई के बीच में कितने पॉइंट्स मिलेंगे डिस्कंटिन्यूटी के? जीरो से टू पाई के बीच में हाउ मेनी पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी? टू पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी। फिर टू पाई से फोर पाई आगे और चक्कर लगाते हैं, टू पाई से फोर पाई के बीच में दो पॉइंट और मिल जाएंगे, तो चार पॉइंट हो गए ना। तो इंटरवल क्या होना चाहिए? जीरो से लेके फोर पाई होना चाहिए ना, ठीक है। अगर जीरो से फाइव पाई भी कर देते हैं तो भी फोर पॉइंट ऑफ डिस्कंट आपके पास फोर पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी आएंगे। भाई जीरो से फाइव पाई का मतलब क्या हुआ? दो चक्कर हो गए पहले तो, और एक हाफ राउंड और हो गया। तो दो चक्कर लगाने के बाद हमने इस लाइन को चार बार क्रॉस किया, तो मतलब फोर पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी है। जीरो से फाइव पाई में भी हमारे चार फोर पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी होंगे, इसमें भी फोर पॉइंट आएंगे, इसमें भी फोर पॉइंट डिस्कंटिन्यूटी आएंगे। लेकिन अगर जीरो से सिक्स पाई कर देंगे हम, तो जीरो से सिक्स पाई टू पाई का एक चक्कर होता है, तो जीरो से सिक्स पाई के बीच में सिक्स पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी हो जाएगी। तो हमसे क्वेश्चन में कहा है कि इंटरवल हमने जीरो से एन पाई लिया है, तो व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन? एन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए? फाइव होनी चाहिए फोर पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी के लिए। फाइव से ज्यादा हो गई तो दिक्कत है, सिक्स हो गई तो फिर दिक्कत है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन इज फाइव, पहला ऑप्शन है हमारा। मिनिमम वैल्यू ऑफ एन इज फाइव, ये गलत है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन इज सिक्स, ये गलत है। एग्जैक्टली टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एन, सही है। एन की दो पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, एक तो फोर हो सकती है और फाइव हो सकती है। जीरो से एन पाई इंटरवल था ना हमारा, तो एन की वैल्यू या तो फोर होगी या फाइव होगी। क्लियर? थोड़ा सा घुमा के दे रखा था, ऐसे ही घुमा घुमा के क्वेश्चन देते हैं और कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट तो सबका एक ही रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 56 हो गया, 57 हो गया। ये तो मैंने बता ही दिया कि जो को इस तरह के फंक्शंस कब कॉन्टिन्यूस होते हैं, जब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएं। तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एग्जैक्टली टू रूट्स आने चाहिए। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल हैव डिफरेंट रूट्स, है ना, डी ग्रेटर देन जीरो की कंडीशन लगा देंगे। समझ में आ गया? मतलब कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में क्वाड्रेटिक भी डाल दिया है ना, क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट भी आ गया। ये 57 हो गया। 58, हो गया, वेरी गुड। 59, 59 में डाउट है? 59 देख लो, हाँ क्वेश्चन नंबर 59 देखो, इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 59 में हमें दिया एक फंक्शन दिया है, fx बराबर cos pi इंटू मॉड एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। कॉस पाई इंटू मॉड एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। अब हमसे कहा है कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? पहला तो 1/2 पे चेक करना है, ठीक है। पहला हमें कंटिन्यूटी चेक करना है 1/2 पे। चलो 1/2 पे कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1/2 देख लेते हैं। कॉस पाई इंटू mod x plus greatest integer of x। देखो जब भी greatest integer आ जाए तो सबसे पहले greatest integer को ही fix करते हैं। तो limit क्या है? Extending to 1/2 है ना, तो हम 1/2 के आसपास है, या तो left में होंगे या right में होंगे। तो 1/2 के आसपास होंगे तो integer interval तो 0 से 1 के बीच में ही होगा। भाई x क्या है? 1/2 के आसपास है ना,
लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 बाय 2 क्या है, x के 1 बाय 2 के क्लोज में है, तो मतलब x 0 से 1 के बीच में होगा इंटीजर इंटरवल, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, ये तो ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 बाय 2 cos pi into mod x. अब रख देते हैं डायरेक्टली, डायरेक्टली रख देते हैं, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 बाई 2 के इधर भी ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0 होगा, इधर भी ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0 होगा. मॉड x भी देखो 1 बाई 2 के आसपास x पॉजिटिव होता है, तो मॉड x भी x ही होगा. तो आपको अलग अलग लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है. अब 1 बाई 2 रख दो इसमें, ये cos pi बाई 2 आ जाएगा. cos pi बाई 2 कितना होता है, 0 है ना, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू आ गई 0 है ना, लिमिटिंग वैल्यू 0 आ गई. फंक्शन की 1 बाई 2 पर वैल्यू देख लो, फंक्शन की 1 बाई 2 पर वैल्यू भी सेम आएगी, cos pi into modulus of 1 बाई 2, 1 बाई 2 और greatest integer of 1 बाई 2 is 0, ये भी 0 आ रहा है, तो मतलब continuous है, मतलब फंक्शन x equal to 1 बाई 2 पे continuous है. फिर हम चेक करते हैं continuity at x equal to 0, x equal to 0 पे चेक करते हैं, तो limit extending to 0, cos pi plus mod x plus greatest integer of x. अब यहाँ पर क्या है, देखो x equal to 0 पे हमें left hand limit, right hand limit दोनों निकालनी पड़ेगी. क्यों? इसका कारण यह है कि 0 extending to 0 का मतलब क्या है, x 0 के आसपास है, 0 के आसपास का मतलब 0 के right में भी हो सकता है, 0 के left में भी हो सकता है. अगर x left से approach करें तो x आपका minus 1 से 0 interval में आ जाएगा, और right से अप्रोच करें तो x आपका 0 से 1 के इंटरवल में आ जाएगा. तो x जब माइनस 1 से 0 के बीच में होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू माइनस 1 होती है, और जब x 0 से 1 के बीच में होता है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 0 होती है. तो मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू चेंज हो रही है ना, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको लेफ्ट हैंड लिमिट अलग निकालनी पड़ेगी, राइट हैंड लिमिट अलग निकालनी पड़ेगी. अब x क्या हुआ, 0 माइनस, 0 माइनस का मतलब 0 को अप्रोच कर रहे हैं हम लेफ्ट साइड से, तो मतलब 0 के लेफ्ट में x क्या होता है, नेगेटिव होता है, x नेगेटिव होता है तो मॉड x हो जाएगा आपका माइनस x, और ग्रेटेस्ट इंटीजर x कितना हो जाएगा बताओ, 0 माइनस पर, 0 माइनस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर x कितना हो जाएगा, x आपका माइनस 1 से 0 के बीच में हो जाएगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1 हो जाएगा. अब x इक्वल टू 0 को डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, cos ऑफ माइनस पाए, cos ऑफ माइनस पाए कितना होता है, cos ऑफ माइनस पाए, cos ऑफ माइनस थीटा, cos थीटा ही होता है, which is cos pi होता है आपका minus 1. तो left hand limit कितनी आ गई, x equal to 0 पर minus 1 आ गई. limit extending to 0 plus देखें तो 0 plus, 0 plus पे देखें, 0 plus का मतलब 0 को right से approach किया जा रहा है, मतलब x 0 के right में है और 0 के बहुत close है, बहुत नजदीक है, तो 0 plus पे mod x आपका x हो जाएगा, और greatest integer x कितना हो जाएगा, 0. अब x को 0 डाल देते हैं तो ये हो जाएगा cos 0, cos 0 कितना होता है 1, तो ये आपकी राइट हैंड लिमिट आ रही है 1, लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है माइनस 1, तो फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस. यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, x इक्वल टू 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, इसलिए फंक्शन क्या है, डिसकंटीन्यूअस है. ठीक है, बाकी फिर डिफरेंशियबिलिटी आप देख सकते हैं, आप क्लियर हो गया यहाँ पर. डिफरेंशियबिलिटी माइनस 1 से 0 के बीच में देखनी है, हमसे कहे कि माइनस 1 से 0 के बीच में इस फंक्शन के लिए डिफरेंशियबिलिटी बताओ, कि डिफरेंशियबिलिटी डिफरेंशियबल होगा कि नहीं होगा. तो इस फंक्शन की तरफ ध्यान से देखो, बारीकी से देखो कि डिफरेंशियबिलिटी का इश्यू कहाँ आ सकता है, मॉड एक्स डिफरेंशियबल कहाँ नहीं होता, एक्स इक्वल टू 0 पे दिक्कत आती है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर x इंटीजर पॉइंट पर दिक्कत करता है, या तो x इक्वल टू 0 होगा या इंटीजर पॉइंट होंगे. तो माइनस 1 से 0 के इंटरवल के बीच में ना तो कोई इंटीजर पॉइंट आता है, ना कोई आपका x इक्वल टू 0 है, तो मतलब फंक्शन डिफरेंशियबल होगा इस इंटरवल में हर पॉइंट पर. ठीक है, उसके बाद हमसे कहा है कि 0 से 1 के बीच में डिफरेंशियबल होगा क्या, 0 से 1 के बीच में देखो, 0 से 1 के बीच में वही सेम बात,
कोई इंटीजर पॉइंट भी नहीं है और x इक्वल टू जीरो भी नहीं है यहाँ पे हमें चेक करने की जरूरत पड़े, तो ये भी डिफरेंशियबल होगा। ऑप्शन सी और डी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली हम बोल सकते हैं। सो आंसर हो जाएगा हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू पूछा है, कौन सा सही नहीं है, ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 वाला डाउट है, 60 वाला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 60, हाँ क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है, देखो यहाँ पर दो तरह के फंक्शन दिए, एक फंक्शन दिया है fx, ये डिफाइन किया है x जब 1 से छोटा है तो फंक्शन है हमारा mod x माइनस 3, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे फंक्शन हमें दिया है मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 प्लस a, ये फंक्शन दिया है ना fx, और दूसरा फंक्शन दिया है gx विच इज 2 माइनस मॉड एक्स व्हेन x लेस देन 2, और ये दिया सिग्नम ऑफ x माइनस b व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये फंक्शन दिया है। फिर एक नया फंक्शन डिफाइन दिया है hx विच इज एडिशन ऑफ fx एंड gx, है ना, fx प्लस gx के बराबर है। हमसे कहा है कि ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, ये डिसकॉन्टिन्यूस है एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, ठीक है, ये एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूस है ना। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि ये फंक्शन एक डिफाइन किया hx which is addition of fx and gx है ना, इन दोनों का एडिशन है। तो इसमें हमसे कहा है कि अगर ये फंक्शन एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे डिसकंटीन्यूअस है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल, मतलब a और b की वैल्यू क्या नहीं हो सकती। चलो देख लेते हैं, तो जैसे अगर कोई दो फंक्शन हमें दिए हुए हैं, एक फंक्शन हमें दिया है fx, इट इज मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 when x less than 1, and दूसरा फंक्शन दिया है हमें modulus of x minus 2 plus a, है ना, ये दिया हुआ है for x greater than equal to 1, और दूसरा फंक्शन दिया है हमें gx, this is 2 minus mod x when x less than 2, and signum of x minus b when x greater than equal to 2, ठीक है। तो यहाँ पर ये फंक्शन क्या है एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे डिसकंटीन्यूअस है, तो आपको पता है कि जब भी हम दो फंक्शन का एडिशन करते हैं fx plus gx है ना, ये दो फंक्शन का एडिशन हम कर रहे हैं, तो अगर दोनों में से कोई एक फंक्शन भी डिसकंटीन्यूअस होता है गिवन वैल्यू ऑफ x पे, जैसे हम देख लेते हैं कि x इक्वल टू 1 पे देखें, देखो एक फंक्शन अगर डिफरेंशियबल है और दूसरा नॉन डिफरेंशियबल है, अगर एक फंक्शन डिफरेंशियबल है दूसरा नॉन डिफरेंशियबल है, तो हम कहते हैं कि फंक्शन क्या होगा, नॉन डिफरेंशियबल होगा। ये बात समझते हैं आप, ये बात समझते हैं ना। नहीं, यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी बोली है, कॉन्टिन्यूटी, सॉरी कंटिन्यूटी के बारे में बोला है ना, हम डिफरेंशियबिलिटी क्यों देख रहे हैं। तो आपने एक बात ये भी सुनी है कि अगर एक फंक्शन कंटिन्यूअस है दूसरा डिसकंटिन्यूअस है, तो दोनों का एडिशन क्या आता है, डिसकंटिन्यूअस होता है, ये सबको पता है। तो एट एक्स इक्वल टू 1 फंक्शन, एट एक्स इक्वल टू 1 fx के लिए देखो, फंक्शन fx देखो, fx के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना कितनी आएगी, केवल फंक्शन fx के लिए देखो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आएगी, x लेस देन 1 पे फंक्शन ये है तो इसमें 1 डाल दो
वन माइनस थ्री कितना आ रहा है? माइनस टू. और राइट हैंड लिमिट कितनी आ रही है फंक्शन एफ एक्स के लिए? वन माइनस टू, वन माइनस टू आ रहा है आपका माइनस वन का मॉड वन प्लस ए, ए प्लस वन आ रहा है. तो अगर फंक्शन एफ एक्स जो है ए प्लस वन बराबर माइनस टू हो जाए, है ना, तो ए बराबर कितना हो जाएगा? माइनस थ्री. मतलब इस फंक्शन के x इक्वल टू वन पे कंटिन्यूस होने के लिए a की वैल्यू क्या होनी चाहिए? माइनस थ्री होनी चाहिए. और अगर a माइनस थ्री नहीं हुआ तो फंक्शन क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूस. फंक्शन क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू वन हो जाएगा ना. क्लियर है? अब ऐसे ही फंक्शन gx के लिए देख लेते हैं. फॉर फंक्शन gx है ना, एट एक्स इक्वल टू टू फंक्शन जी एक्स के लिए देख लेते हैं. फंक्शन जी एक्स के लिए देख लेते हैं. लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही है? टू माइनस टू जीरो. और राइट हैंड लिमिट कितनी आ रही है? राइट हैंड लिमिट बताओ कितनी आ रही है एक्स इक्वल टू टू पे? ये तो वन हो जाएगा, वन माइनस बी. कॉन्टिन्यूस होने के लिए बी कितना होना चाहिए एक्स इक्वल टू टू पर? b बराबर वन होना चाहिए. तो b अगर वन नहीं होगा तो फंक्शन क्या होगा? डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू टू. तो हम क्या कर रहे हैं कि यहां पर देखो एग्जैक्टली वन पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस होना चाहिए. तो देखो पहला ऑप्शन आ जाता है, फर्स्ट ऑप्शन. फर्स्ट ऑप्शन में आ जाओ, a की वैल्यू माइनस थ्री, बी की वैल्यू जीरो. तो a की वैल्यू अगर माइनस थ्री ले ली हमने, तो देखो a की वैल्यू माइनस थ्री ली तो पहला फंक्शन क्या हो जाएगा? x इक्वल टू वन पे डिसकंटिन्यूस, x इक्वल टू वन पे कंटिन्यूस हो जाएगा. ठीक है, और दूसरा फंक्शन x इक्वल टू वन पे कंटिन्यूस तो है ही है. लेकिन x अगर b की वैल्यू आपने जीरो ले ली तो क्या हो जाएगा? x इक्वल टू टू पे दूसरा फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, पहला कंटिन्यूस है. नहीं बात समझ में? फिर दोनों में से एक कंटिन्यूस एक डिसकंटिन्यूस, तो दोनों का एडिशन डिसकंटिन्यूस होगा. तो दोनों को ऐड करने की जरूरत नहीं है, दोनों को अलग अलग देख लो इस तरीके से. समझ में आया बात? तो अगर a की वैल्यू माइनस थ्री लेते हैं, b की वैल्यू हम जीरो लेते हैं, तो ये फंक्शन एग्जैक्टली वन पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस होगा, विच इज x इक्वल टू टू पर. अब अगर a की वैल्यू टू लेते हैं, b की वैल्यू वन लेते हैं, तो b की वैल्यू वन लेने से दूसरा वाला फंक्शन है वो तो कंटिन्यूस हो गया x इक्वल टू टू पर. लेकिन a की वैल्यू टू लेने से पहला वाला फंक्शन x इक्वल टू वन पे डिसकंटिन्यूस हो गया, तो ओवरऑल फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो गया. तो ऑप्शन b में भी क्या हो रहा है? ये भी एग्जैक्टली वन पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस आ रहा है. तीसरा ऑप्शन देखो क्या दिया है, a की वैल्यू टू ले लो, b की वैल्यू जीरो ले लो. अगर a की वैल्यू हमने टू ले ली तो क्या होगा? देखो a की वैल्यू अगर हमने टू ले ली तो क्या होगा? पहला फंक्शन x इक्वल टू वन पे डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, तो ओवरऑल फंक्शन भी x इक्वल टू वन पे डिसकंटिन्यूस हो जाएगा. और b की वैल्यू अगर हमने जीरो ले ली तो क्या होगा? तो क्या होगा? दूसरा फंक्शन x इक्वल टू टू पे डिसकंटिन्यूस हो जाएगा. तो मतलब ये ओवरऑल फंक्शन दो पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस आ जाएगा. तो ऑप्शन c जो है उसमें क्या होगा? फंक्शन दो पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, इसलिए दिस इज नॉट पॉसिबल, है ना. तो आंसर इसलिए c आ जाएगा. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. मतलब जब दो फंक्शन का एडिशन होता है, एक कॉन्टिन्यूस है किसी पॉइंट पर, दूसरा डिसकॉन्टिन्यूस है, तो दोनों का एडिशन डिसकॉन्टिन्यूस आता है. ठीक है, तो उस हिसाब से आप सोच सकते हो. ए और बी की वैल्यू सेट कर लो, उस हिसाब से आप सोच सकते हो. ऑप्शन सी दोबारा एक्सप्लेन करो. ऑप्शन सी में बोला है कि ए की वैल्यू टू ले लो, बी की वैल्यू जीरो ले लो. देखो ए को अगर मैंने टू ले लिया तो क्या होगा? ए को अगर मैंने टू ले लिया तो क्या होगा? पहला फंक्शन जो होगा एफ एक्स जो होगा वो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा एक्स इक्वल टू वन पर. एफ एक्स डिसकंटिन्यूस है, जी एक्स तो कंटिन्यूस ही है, तो दोनों का एडिशन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा एक्स इक्वल टू वन पर. ठीक है, और बी को अगर हमने जीरो ले लिया तो दूसरा फंक्शन एक्स इक्वल टू टू पे डिसकंटिन्यूस हो जाएगा. तो दूसरा फंक्शन एक्स इक्वल टू टू पे डिसकंटिन्यूस है, ये तो कंटिन्यूस ही है, तो दोनों का एडिशन x इक्वल टू टू पे भी डिसकंटिन्यूस हो जाएगा. तो ये फंक्शन जो एच एक्स है वो दो पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस हो जाएगा इन केस ऑफ ऑप्शन सी.
ठीक है, क्लियर हो गया? तो जब एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है दूसरा डिसकंटिन्यूस होता है तो दोनों का एडिक्शन डिसकंटिन्यूस होता है। इसमें फंक्शन ऐड करने की जरूरत नहीं है, अलग अलग हम करके देख सकते हैं। चलो ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, फिर बाकी डिस्कशन फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, है ना? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।